सोमवार को राप्ती नदी के रामघाट पर डूब रहे चार लोगों की जिंदगी बचाने वाले मंगरू निषाद को एक संस्था द्वारा अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में संस्था के संरक्षक ब्रिजेश राम त्रिपाठी ने कहा कि मंगरू निषाद का सम्मान करके संस्था अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। मंगरू निषाद ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए चार लोगों की जिंदगी बचाई है। मंगरू ही समाज के असली हीरो हैं। उन्होंने कहा कि मंगरू के बहादुरी को देखते हुए सरकार को गणतंत्र दिवस पर मंगरू निषाद को बहादुरी के अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर प्रतिभा बहुत है लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करे तो निश्चित ही यह लोग आगे चलकर प्रदेश तथा देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा, इससे पहले भी मंगरू ने एक गर्भवती महिला व एक व्यक्ति की जान बचाई थी, जो कि बहुत ही बहादुरी का काम है। इस अवसर पर पंकज निषाद, अभिषेक त्रिपाठी, अविनाश द्विवेदी, रिहाब शरीफ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंगरू निषाद तथा संस्था के संरक्षक ब्रिजेश राम त्रिपाठी ने कहा, मंगरू साहा ने कहाँ कराने वाले गोरखपुर का कैसे बचाई थी आपने जान? एकदम तो घूम टहलने आए थे, खाना की खा कर मड़े पे सोचे बैठे 10 मिनट आराम करे, सोचा हल्ला हुआ, हल्ला में जगह मगरमच्छ नदी रोज हर साल में मगरमच्छ आते हैं, हम कहा वही देखने के लिए हम भी गए। हम नहीं देखे नदी किनारे, देखे चार लोग डूब, पांच लोग डूब रहे थे, चार लोग को कोशिश बचा लिए, एक लोग को कोशिश करे नहीं बच पाए। खान के लिए क्या कहना चाहें जो आप सम्मानित? सम्मानित हमको अच्छा है, बाकी ये भी है सर, ये भी नहीं किए तो बहुत बढ़िया काम किए हैं। इससे पहले जान बचाई? बहुत जान बचाए, किसी की नहीं, बहुत जान बचाए, कम कम 20 जान बचाए, मगर कोई नहीं सुनवाई किया। इससे पहले कोई सम्मान आपको किया गया? कोई नहीं किया, कि सम्मान करने को बजाय कचारी से कचारी लगा रहे थे। ब्रजेश राम त्रिपाठी, संस्थापक गुरु कृपा संस्थान। मंगरू निषाद जी को गुरु कृपा संस्थान बधाई देता है और उनके साहस को, उस पराक्रम को, उस वीरता को नमन करता है, जहाँ पर उफनाई नदी में लोग देखकर भयभीत होते हैं, उस उफनाई नदी में अपनी जान की परवाह किए बगैर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार चार जान बचाए, और यहाँ तक सुनने में मिला जो पांचवीं जान नहीं बचा पाए उसके कारण उनको अफसोस है। मैं तो इनके इस कार्य के लिए इनके सामने नतमस्तक हूँ और गुरु कृपा संस्थान इनका इस कार्य के लिए बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम इन्होंने किया है, कार्य किया है, इसके लिए बधाई देता है। और सामान्यतः जो जानकारी में आया है कि श्री मंगरू निषाद जी विकलांग हैं और दिव्यांग होते हुए नदी में जाकर चार चार जान बचाए, इसके पहले भी किसी गर्भवती महिला को डूबते हुए इन्होंने बचाया था, किसी एक और बच्चे को बचाया था, आधा दर्जन जान बचाने वाले ऐसे मंगरू निषाद का तो मैं स्वागत करते हुए ये आगामी जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 2022, इस अवसर पर हम मांग करते हैं इनको वीरता के सम्मान से सम्मानित करे सरकार, और इनकी दिव्यांगता को आधार मानकर इनको सरकार में जो सरकार की समस्त योजनाएं हैं दिव्यांगों के लिए, इसका इनको लाभ दिया जाए और इनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार इनको एक सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वास्तव में समाज के हीरो हैं जो अपना कार्य करते हुए समाज के लिए भी कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से श्री मंगरू निषाद जी को सम्मानित करते हुए यह संस्था अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है।